हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन स्ट्रोक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एप्टीट्यूड सेक्शन के ऑल ब्रांचेस के। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप बिल्कुल फर्स्ट वीडियो से आके देख सकते हो। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं सिविल के सेशन टू के गेट 2021 के क्वेश्चन, ठीक है। और ये लास्ट वीडियो होगी 2021 की, 2021 के सारे पेपर कम्प्लीट हो चुके हैं अभी इस वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो से हम 2022 के पेपर करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि चार सेंटेंसेस हैं, विच ऑफ द अबव सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है। अरुण एंड अपर्णा आर हेयर, अरुण एंड अपर्णा इज हेयर, इस वाला गलत है, ठीक है। दो लोग हैं तो आर आना चाहिए। अरुण्स फैमिली इज हेयर, अरुण्स फैमिली इज हेयर, देखो फैमिलीज तो गलत है, एक बंदे की एक फैमिली होगी, ठीक है। तो वन और फोर सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरर इमेज ऑफ अबव टेक्स्ट अबाउट द एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस अबाउट, सबसे पहले देखो लेटर देख लो, पी अलग है सब में, तो पी का मिरर इमेज बनाता हूँ, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ए गलत हो गया, पी तो पी बना हुआ है, और सी गलत हो गया, ठीक है, बी ओ डी बचा है। अब नेक्स्ट लेटर देखो, एक्स सेम है, वाई सेम है, एल सेम है, ए सेम है, एक्स सेम है, आई सेम है, एस रह गया। एस का मिरर इमेज कैसा बनेगा, उल्टा, और अच्छे से बना देता हूँ, यही तो है मिरर इमेज। तो ऑप्शन डी खत्म हो जाएगा, डी में तो एस वैसा का वैसा बना हुआ है, ऑप्शन आ जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल क्यूब्स शेप्ड डाइस ईच विद फेसेस नंबर्ड 1 टू 6 आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी दैट इवन नंबर इज रोल्ड आउट ऑन ईच डाइस, दोनों पे इवन नंबर है, तो ऐसे कितने केस बन जाएंगे। देखो सपोज करो फर्स्ट पे 2 आया है इवन नंबर, तो हो सकता है दूसरे पे भी 2 आ जाए, फर्स्ट पे 2 आया है दूसरे पे 4 आ जाए, फर्स्ट पे 2 आया दूसरे पे 6 आ जाए, ठीक है। या फिर पहले भी 4 आ जाए 4 आ जाए दूसरे पे 2, या 4 4 या फिर 4 6, सिमिलरली 6 2 6 4 6 6, ठीक है। तो कितने केस बन गए, 9 केस बन गए। और टोटल कितने केस बनते हैं अगर हम दो डाइस थ्रो करते हैं तो 6 की पावर 2 यानी कि 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन जो भी है 1/4, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो हमें ऑपरेटर दिए हुए हैं, एक प्लस विद सर्कल एंड डॉट विद सर्कल, और नंबर पी क्यू सच दैट, डॉट विद सर्कल का मतलब है माइनस, प्लस विद सर्कल का मतलब है मल्टीप्लाई। तो बस इसको मैं चेंज कर दूं, देखो 9 माइनस 6 इंटू 7, ठीक है, पूरे को माइनस कर देना है 7 इंटू 6 माइनस 5, ठीक है। सबसे पहले 9 माइनस 42 माइनस 7 इंटू 1, तो आ जाएगा माइनस 33 माइनस 7 माइनस 40, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर पर्सन पी क्यू आर एंड एस आर टू बी सीटेड इन ए रो, आर शुड बी सीटेड एट द should not be, ठीक है, not be seated at the second position from the left end of the row, the number of distinct sitting arrangement possible is, अब देखो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम ऐसे अरेंजमेंट निकाल लें जिसमें आर वहीं पे है, ठीक है। अब देखो टोटल अगर चार लोग हैं, ये राइट मान लो, ये लेफ्ट मान लो, आर को कहां नहीं बिठाना, लेफ्ट से सेकंड, यानी कि आर यहां नहीं बैठना चाहिए, ऐसे केस चाहिए हम। टोटल कितने केसेस आ जाएंगे, फोर लोग हैं, उनकी अरेंजमेंट 4 factorial 24, ठीक है। अब हम उल्टा चलते हैं कि अगर हम आर को बिठा दें यहाँ पे तो कितने वेज में बैठेंगे, तो अब आर की सीट फिक्स होगी, 1 2 3 लोग रह गए तो वो 3 factorial से बैठेंगे, या जाएगा 6, तो 6 टोटल वेज है 24, ठीक है। उसमें से 6 वेज ऐसे हैं जहां पे आर सेकेंड बैठा है लेफ्ट से, बट हमें ये नहीं चाहिए, तो कितने केसेस आ जाएंगे वो 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 18, ठीक है। और नहीं तो आप कैसे कर सकते हो, 18 कैसे आ जाएगा, आर यहाँ नहीं बैठेगा, पहले आर यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। तीन सीट हैं, तीन लोग हैं, 6 अरेंजमेंट होगी, फिर आर यहाँ बैठ जाएगा, फिर 6 अरेंजमेंट आ गई, फिर आर को यहाँ पे करके देख लो, फिर 6 आ गई, 6 6 6 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन ए प्लानर फील्ड यू ट्रेवल 3 यूनिट ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ओ, नेक्स्ट यू ट्रेवल 4 यूनिट साउथ टू अराइव एट पॉइंट पी, देन यू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट पी
in the northeast direction such that you arrive at a point which is 7 units east of the O. Next, you travel in the northwest direction so that you arrive at a point Q that is 8 units north of the P. Distance of point Q to O in the same unit should be. तो देखो सबसे पहले क्या है, पॉइंट O है. O से हम कहां जा रहे हैं? ट्रेवल ईस्ट फ्रॉम O. अब देखो डायरेक्शन ऐसा बना लेते हैं कि ईस्ट इधर है, वेस्ट नीचे है, साउथ राइट साइड है, नॉर्थ लेफ्ट साइड है. अब इसने बोला ईस्ट साइड जाता है 3 किलोमीटर 3 यूनिट, ये पॉइंट है O. उसके बाद नेक्स्ट यू ट्रेवल 4 यूनिट साउथ टू ट्रेवल एट टू अराइव एट पॉइंट P. तो यहाँ पे 4 यूनिट गया पॉइंट P, ठीक है. यह आ गया 3, यह आ गया 4, ठीक है. अब इसके बाद क्या हुआ, देन यू ट्रेवल फ्रॉम P इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी ये वाली, मतलब ऐसे. एंड यू अराइव एट ए पॉइंट दैट इज 6 यूनिट ईस्ट ऑफ द पॉइंट A. तो O से वो 6 यूनिट पॉइंट हो जाए ईस्ट की साइड, मतलब कुछ ऐसा पॉइंट आएगा. ये टोटल डिस्टेंस 6 हो जाए, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला कितना हो जाए, 6 हो जाए. इसका मतलब ये 3 ऑलरेडी है, यहां पे 3 आ जाएगा. तो ये कुछ इस तरीके से चला होगा, ठीक है. ये पॉइंट आ गया. अब क्या बोला इन्होंने, 6 यूनिट ईस्ट ऑफ द O. नेक्स्ट यू ट्रेवल इन नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये वाली होगी, यहां से इस डायरेक्शन में. So that you arrive at a point Q that is 8 unit north of P. P से north side है 8 unit. P से north हो गया इस direction में 8 unit. तो suppose करो ये point है, ठीक है, ये point है Q. अब ये total कितना है, ये वाला ये है 8. तो ये बोल ये आ गया 4. इसने यहां पे ट्रेवल किया, ठीक है. अभी हमें क्या फाइंड करना है, तो ये हो गया 4. अभी हमें फाइंड करना है ये O और Q का डिस्टेंस, ठीक है. ये तो सिंपल हमें दिख रहा है, ये 3 है, ये 4 है, ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 5, ठीक है. इसमें तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 3 4 5 होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर सेट म्यूजिशियंस रिहर्स बिफोर देयर कंसर्ट, एक्टर्स रिहर्स देयर रोल बिफोर द ओपनिंग ऑफ न्यू प्ले. ऑन द अदर हैंड आई फाइंड इट स्ट्रेंज दैट मैनी पब्लिक स्पीकर्स थिंक दे कैन जस्ट वॉक ऑन टू द स्टेज एंड स्टार्ट स्पीकिंग. इन माई ओपिनियन इट इज नो लेस इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक स्पीकर्स टू रिहर्स देयर टॉक्स, ठीक है. बेस्ड ऑन द अबव पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. तो जो ऑथर है, लेखक कहता है कि जो म्यूजिशियन है, सिंगर्स हैं, वो रिहर्स करते हैं कॉन्सर्ट से पहले, एक्टर अपने रोल को रिहर्स करते हैं नए प्ले से पहले, और अदर हैंड, और मैं क्या देखता हूँ कि ये काफी स्ट्रेंज है, अजीब है कि जो पब्लिक स्पीकर्स है ना, जो स्पीच देते हैं, वो सोचते हैं कि हम सीधा स्टेज पे चढ़ जाएंगे, बोलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है. तो उसका जो ऑथर का ओपिनियन है, इट इज ये कम इम्पोर्टेंट नहीं है पब्लिक स्पीकर्स के लिए रिहर्स करना, कि उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उनको भी रिहर्स करना चाहिए, वो कैसे बोलेंगे, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, इसका ये मतलब है. तो क्या ट्रू है, फर्स्ट पॉइंट है, द ऑथर इज ऑफ ओपिनियन. देखा, ऑथर का ओपिनियन है कि दैट रिहर्सिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर म्यूजिशियन, एक्टर्स एंड पब्लिक स्पीकर्स. ये देखो, ये पहला पॉइंट ही सही है, उसने बोला कि सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है. बी देखो, ऑथर इज ऑफ ओपिनियन दैट रिहर्सिंग इज लेस इम्पोर्टेंट फॉर पब्लिक स्पीकर देन म्यूजिशियन एंड एक्टर्स. ये गलत है ना, उसने बोला कि पब्लिक स्पीकर से ऐसा सोचते हैं कि हम डायरेक्ट चले जाएं स्टेज पे, बट उनको भी रिहर्सल करना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा. ऑप्शन सी कहता है, ऑथर इज ऑफ ओपिनियन दैट रिहर्सिंग इज मोर इम्पोर्टेंट ओनली फॉर म्यूजिशियन देन पब्लिक स्पीकर्स. ये भी गलत है. डी कहता है, ऑथर इज ऑफ ओपिनियन दैट रिहर्सिंग इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एक्टर्स देन म्यूजिशियन, ठीक है, ये गलत है. उसने सबके लिए इक्वल बोला है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम फुटबॉल प्लेयर्स प्ले क्रिकेट, ऑल क्रिकेट प्लेयर्स प्ले हॉकी. अमंग द ऑप्शंस गिवन बिलो स्टेटमेंट दैट लॉजिकली फॉलो फ्रॉम टू स्टेटमेंट्स. अब देखो, सम फुटबॉल प्लेयर प्ले हॉकी, सॉरी क्रिकेट, ये हो गया फुटबॉल, ये हो गया क्रिकेट,
और ऑल क्रिकेट कैन प्ले हॉकी, ऐसा कुछ मान लो। तो अभी क्या हो गया, फुटबॉल वाले भी आ गए ना हॉकी में, तो नो फुटबॉल प्लेयर प्ले हॉकी, ये गलत हो गया। सम फुटबॉल प्लेयर्स प्ले हॉकी, ये सही है ना, सम कुछ ना कुछ तो खेलती है, हमें पक्का पता है। सी क्या है, ऑल, ये ऑल का गलत हो जाएगा है ना, कंफर्म नहीं है, ऑल से हो भी सकता है, हमें क्या पता। और ऑल हॉकी प्लेयर्स, ये भी गलत है। ठीक है, तो बी आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस हमें क्या दिया है, स्क्वायर दिया है। इन द फिगर शोन अबव पी क्यू आर एस इज स्क्वायर, द शेडेड पोर्शन इज फॉर्मड बाय इंटरसेक्शन ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, मतलब ऐसा कुछ सर्कल होएगा, उनका इंटरसेक्शन बना है। ठीक है, सर्कल का रेडियस होगा आर, सॉरी आर, हाँ आर ही होगा ना, आर। रेडियस इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर एंड सेंटर ऑफ एस एन क्यू, प्रोबेबिलिटी दैट एनी पॉइंट पिक्ड रैंडमली विद इन द स्क्वायर फॉल इन द शेडेड एरिया। तो क्या प्रोबेबिलिटी अगर कोई भी पॉइंट हम लें वो शेडेड एरिया के अंदर आए, तो वो बस एरिया कंपेयर करना है, ये वाला एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। ठीक है, टोटल एरिया कितना है हमारा, आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमें फाइंड करना है ये वाला एरिया। तो सबसे पहले ये देखो, अगर मुझे ये वाला हाफ सेट, अब ये वाला सेमी सर्कल देखो, सेमी सर्कल नहीं सॉरी, सर्कल का पार्ट ये वाला, इस ये 1/4 पार्ट है सर्कल का, तो इसका एरिया कितना होगा अगर मैं यहाँ पे इसको लूँ, इसका एरिया जो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 है ना, चौथा हिस्सा सर्कल का। अब इसमें से अगर मैं, अब मैंने ये वाला एरिया नहीं लिया पूरा, ये सपोज करो, तो अगर इसमें से मैं एक ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं ये वाला, तो क्या मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा ओनली। ठीक है, तो इसमें से माइनस करता हूं, ट्रायंगल का एरिया वो होता है हाफ हाइट इंटू बेस, आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और शेडेड ये हाफ का आ गया, मतलब इतने एक आधी पत्ती का आ गया, इसको मैं डबल कर दूंगा तो शेडेड का आ जाएगा, तो शेडेड दो से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर कॉमन निकाल लो, पाई बाय 2 माइनस 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, शेडेड एरिया का एरिया डिवाइड बाय टोटल एरिया, आर स्क्वायर कैंसिल, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, पाई बाय 2 माइनस 1, ऑप्शन सी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इन्होंने बोला कि एन इक्विलेटर ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर क्या है, इक्विलेटर ट्रायंगल है कि जिसकी साइड जो है चारों तीनों सेम है। साइड पी क्यू इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट, हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, साइड क्यू आर इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, और लेंथ ऑफ ईच, एक मिनट, पी आर इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट, पी आर को हमने 8 में डिवाइड किया है ना, 8 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि लेंथ ऑफ ईच सब डिवाइडेड पार्ट इन सेंटीमीटर इज एन इंटीजर, ये इंटीजर है, मतलब ये लेंथ 1 2 3 4 5 6 ऐसा होगी ना, 1.1 1.2 वैसा नहीं होगी, मिनिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर पॉसिबल इन। ठीक है, तो हमें मतलब एक लेंथ है, हम उसको इस तरीके से अगर हम उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करें तब भी वो इंटीजर आता है, 6 में डिवाइड करें तब भी वो इंटीजर आ रहा है हर पार्ट, 8 में डिवाइड करें तब भी, तो इसकी साइड मिनिमम साइड कितनी हो जाएगी, इन तीनों का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 4 6 एंड 8, तो जो कि आएगा 24। ठीक है, तो मिनिमम साइड 24 होनी चाहिए और तभी ये 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा,
छह में डिवाइड करेंगे तो चार 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 चार, आठ में डिवाइड करेंगे तीन 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 तीन, ठीक है, मिनिमम 24, फिर 24 48 ऐसे करके, तो मिनिमम एरिया कितना हो जाएगा, साइड 40 आ गई, 24 आ गई, मतलब ए या आर लिख लो चलो। और एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, अंडर रूट 3/4 आर स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट 3/4 इंटू 20 का स्क्वायर, 24 इंटू 24 6, ये आ जाएगा 144√3, ऑप्शन डी, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको आना चाहिए, ठीक है, नहीं आता तो पिछली वीडियो में कराया हुआ है, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, ये थे सिविल इंजीनियर सेशन 2 गेट 2021, और गेट 2021 के सारे क्वेश्चन अभी खत्म हो गए हैं, 2022 के 8 पेपर बाकी हैं, मतलब 8 वीडियोस और आएंगे अभी, ठीक है। तो फिर भी इस क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर देना, टेलीग्राम पे पूछ लेना, और वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।